गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एना फिजियो क्लास इन विच टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि हमारा जो है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, इससे पहले भी जितने सिस्टम थे ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और हम इस सिस्टम की इंट्रोडक्टरी दो क्लासेस पढ़ेंगे, आज की और अपने कल की क्लास इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। उसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम को इंडिविजुअली, उसके इंडिविजुअल पोर्शन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की आज की, जिसके अंदर हम अपना ये सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो एक्सेस का वाटर, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट को हमारे ब्लड में से रिमूव करता है, उस सिस्टम को अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, जैसे किडनी, लंग, स्किन और लिवर। किडनी में नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि एक्सेस के वाटर और यूरिया को फिल्टर आउट करती है। लंग्स में एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से फिल्टर आउट करती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स ये काम करती हैं कि वो वाटर को स्वेट की फॉर्म में एक्सक्रीट करती है, जिसमें थोड़े बहुत केमिकल वेस्ट होते हैं, यूरिया वगैरह भी होता है। और लिवर अमोनिया को रिमूव करता है। तो ये चारों जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कितने तरह के होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सब एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, वाटर भी एरोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट अमाइनो एसिड और प्रोटीन जो एक्सेस में है उसके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। अमोनिया इनमें से हाईली टॉक्सिक होता है, बल्कि ये न्यूरोटॉक्सिक नेचर का होता है। अगर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और न्यूरोटॉक्सिटी कॉज कर देगा, पर्सन कॉमा में चला जाएगा और इवन उसकी डेथ हो सकती है। यूरिया बेचारा मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तो मिनिमल टॉक्सिक होते हैं। अब ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेन अपन यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, जिसमें दो किडनीज यानी वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर पाया जाता है, वन ब्लैडर और वन यूरेथ्रा से बना हुआ होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम ही होता है, जिसके फॉलोइंग ऑर्गन्स है, दो किडनी जो यूरिन को सिक्रीट करते हैं, दो यूरेटर जो इस यूरिन को लेकर के जाते हैं किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो इस यूरिन को कलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे यूरिन टेम्पररीली स्टोर होता है। टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए आप स्टोर कर सकते हो, एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। और एक यूरिथ्रा होता है, जिसके द्वारा ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से बाहर डिस्चार्ज होता है। अब फंक्शन क्या है भाई इस यूरिनरी सिस्टम के? ये डेली 200 लीटर तक ब्लड को फिल्टर करता है, जिसमें टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सेस के आयंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी से यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे ब्लड के वॉल्यूम को और केमिकल मेकअप को रेगुलेट करने का काम भी करता है, और हमारे अंदर वाटर, सॉल्ट और एसिड बेस का प्रॉपर बैलेंस भी बना करके रखता है, मेंटेन करके रखता है बैलेंस को। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस एक कंडीशन है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के दौरान, आप लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं या अनशन पे बैठे हैं, या आपने कोई ऐसा फास्ट किया है, तो उस समय आपके अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाती है। खाना नहीं खाओगे तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो आपके बॉडी के जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टांसेस हैं वो सब के सब ग्लूकोज बनाते हैं, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके और आपकी बॉडी वर्क कर सके। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम भी जो है वो किडनी करती है, लीवर भी करता है,
अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी प्रोड्यूस करेंगे आपका ये यूनरी सिस्टम, जैसे रैनिन, एराइथ्रोपोइटिन, कैल्सिटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। रैनिन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एराइथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है, नाम से पता चल रहा है एराइथ्रोपोइटिन यानी एराइथ्रोपोइसिस का फंक्शन करेगा। कैल्सिटोनिन विटामिन डी को एक्टिवेट करता है जिससे कि कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ये फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का, आपको पढ़ाया जाएगा बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में। अब किडनी, जो वन पेयर पाई जाती है बॉडी के अंदर जिसको आप रीनल भी कहते हो, इसकी फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन होती है, उसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। लोकेशन कहाँ पाई जाती है, ये एपी गैस्ट्रिक रीजन में हाइपोकॉन्ड्रियक लंबर और अम्बिलिकल रीजन के अंदर ये लोकेटेड रहती है। वर्टिकली ये इसका अपर बॉर्डर से, जो कि 12th थोरेसिक वर्टिब्री से इसका अपर बॉर्डर बन रहा है, वो बॉडी के सेंटर में 3rd लंबर वर्टिब्री तक आता है, यहाँ तक ये इसकी लेंथ होती है। राइट किडनी थोड़ी सी लेफ्ट के कंपैरिजन में लोअर होती है लीवर की वजह से, राइट साइड लीवर होता है तो ये थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर होती है लोकेशन में। शेप किडनी बीन शेप की होती है, 11 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर थिक्ड होती है। 150 ग्राम इसका साइज़ होता है मेल में और फीमेल में 135 ग्राम। कलर रेडिश ब्राउन कलर की ये दिखाई देती है। ये किडनी के पार्ट, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला और उसकी फंक्शन यूनिट छोटी छोटी सी नेफ्रॉन्स। ये रीनल आर्टरी और वेन है, अंदर बाहर आती जाती जो हाइलस एंटर कर रही है और यहाँ से यूरेटर निकल रहा है। हर एक किडनी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स का, मिडल पार्ट मेड्यूला का और सबसे इनर पेल्विस। कॉर्टेक्स कोन शेप का होता है जहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है। मेड्यूला एक फनल शेप की स्ट्रक्चर है जिसमें कलेक्टिंग डक्ट्स रहती हैं और ये फिल्ट्रेट को, मतलब जो चीज़ छन गई है उस फिल्ट्रेट को यानी फिल्टर्ड सबस्टांसेस को पेल्विस तक लेकर के आती है, जबकि पेल्विस एक हॉलो कैविटी होती है जहाँ पर यूरिन एक्यूमुलेट होता है और फिर यूरेटर में ड्रेन होता है। अब किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, ये फिल्टरिंग यूनिट होती है किडनी की। अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.2 या 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में, हर एक किडनी की कॉर्टेक्स मेड्यूला में लोकेटेड रहते हैं। नेफ्रॉन की ट्यूब्स जो है उसके चारों तरफ सेल्स पाई जाती है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि पूरे टिश्यू में स्प्रेड रहता है, इसलिए मटेरियल जो कि नेफ्रॉन से लीव करता है, निकलता है, मेटल्स दैट लीव्स द नेफ्रॉन्स एंटर्स द सराउंडिंग सेल। नेफ्रॉन से निकलने वाला मटेरियल सेल को सराउंड किए रहता है और वापस ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है वेसल्स के नेटवर्क के द्वारा, जो अपन पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस वगैरह की फॉर्म में। अब नेफ्रॉन के पार्ट, हर एक नेफ्रॉन में ये पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ग्लोमेरुलस थिन वॉल्ड कैपिलरी का मास होता है, या आप कहिए कैपिलरी का टफ्ट होता है, या आप कहिए कैपिलरी का नेटवर्क होता है, पतली पतली सी कैपिलरीज का, थिन वॉल्ड कैपिलरीज का मास होता है। बॉमेंस कैप्स्यूल डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर, कप शेप की स्ट्रक्चर होती है, डबल वॉल्ड कप शेप की स्ट्रक्चर, दो लेयर होती है, कप जैसी दिखाई देती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब बॉमेंस कैप्सूल आगे बढ़ता हुआ जिस ट्यूब में खुलता है उसको आप PCT कहते हैं, या आप कहिए बॉमेंस कैप्सूल से लेकर लूप ऑफ हेनले के बीच की जो ट्यूब है उसको आप PCT कहते हैं। फिर आगे लूप ऑफ हेनले, ये एक लंबी लूप होती है जो कि मेड्यूला में एक्सटेंडेड रहती है जबकि PCT कॉर्टेक्स में रहती है। फिर डिस्टल ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले को कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ती है और कहाँ पे रहती है, ये भी कॉर्टेक्स में रहती है। फिर मेड्यूला में वापस कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी जो सारे चीज़ों का कलेक्शन अपने पास रखेगी, सारी चीज़ों मतलब ये जो यहाँ से फ्लो होता हुआ ग्लोमेरुलर, बॉमेन, PCT, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल से सारा कलेक्ट होता हुआ यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ये किडनी के नेफ्रॉन के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई आप। ये बॉमेंस कैप्सूल के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी दिखाया गया जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये एफरेंट आर्ट्रियल है, रीनल आर्टरी इसी इसके थ्रू आ रही होती है और इफरेंट आर्ट्रियल से वो निकलती है। यहाँ से पहले फिल्टर होएगी चीज़ें, फिल्टर होकर के कहाँ जाएगी, फिल्टर होकर के कहाँ जाएगी भाई,
पीसीटी में जाएगी, जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ट्यूब दिखाई दे रही है। यहाँ से ये लूप ऑफ हेनले में जाएगी, लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर ये डीसीटी वगैरह के स्ट्रक्चर। अब कहाँ पे क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है वो भी लिखी हुए भाई, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा था पीसीटी के अंदर, फिर आगे डीसीटी में सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो रहा था, और फिर ये सारी सारी चीज़ें कलेक्टिंग डक में जा रही है, कलेक्टिंग डक में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वहाँ से यूरिन निकल रहा है, जो एक्सेस वाटर वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर बचा हुआ यूरिन नेफ्रॉन्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और यहीं कलेक्टिंग डक में दूसरे नेफ्रॉन्स भी कनेक्टेड होने की ब्रांचेस दिखाई गई आपको दिखाई दे रही है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो फिल्टर होता है इस बोमेंस कैप्सूल से, फिर ग्लूकोज वाटर सॉल्ट वगैरह तो नेफ्रॉन में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। तो कहाँ कहाँ क्या एब्जॉर्ब हो रहा है वो दिखाया गया आपको इस डायग्राम में। ये अनदर डायग्राम जो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में बता रहा है, काफ़ी हौच-पौच सा लग रहा है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, ईजी है। ये हौच-पौच लग रहा है आर्टरी वेन्स की वजह से, अदरवाइज नेफ्रॉन तो सिंपल सिंपल ही होता है बेचारा। तो वही टफ्ट ऑफ नेटवर्क ग्लोमेरुलस के चारों तरफ बोमेंस कैप्सूल, कहाँ पर है ये सारी चीज़ें, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में ही कॉइल्ड सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है जिसको आप पीसीटी कहते हो। ये पैरिट्यूबुलर कैपिलरीज बताई गई हैं, फिर ये लूप ऑफ हेनले है जिसकी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब बताई है, इसके साथ में जुड़ी हुई वासा रेक्टा भी, ये भी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, बस वही वही चीज़ें बार बार क्या बताऊँ, आपने नाम तो सारे सुन ही लिए हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा आप, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है भाई, तो फ्लूड जो है वो फ्लो होता है नेफ्रॉन के द्वारा ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस से होता है एक बोमेंस कैप्सूल में जाएगा, बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब से डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ये फ्लूड ड्रेन हो जाता है। अब किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे हो रही होती है, तो भाई ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी में आती है, रीनल आर्टरी से सेगमेंट आर्टरी में जाएगी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी में जाएगी, फिर एफरेंट आर्ट्रियल में जाएगी, एफरेंट आर्ट्रियल से ग्लोमेरुलर कैपेलरी के अंदर जाएगी, जहाँ से ये ब्लड छनेगा, और छन करके जो वेस्ट था वो तो निकल के बोमेंस कैप्सूल में आ गया, और जो वेस्ट नहीं था वो इफरेंट आर्ट्रियल में चला जाता है, इफरेंट आर्ट्रियल से इंटरलोब्यूलर वेन में, देन सेगमेंटल वेन में, और फाइनली रीनल वेन से होता हुआ ये हमारे हार्ट में चला जाएगा। अब ब्लड और नर्व सप्लाई देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 यानी 1200 ml सिस्टमिक कार्डिक आउटपुट जो है वो किडनी से फ्लो होता है हर एक मिनट में। हर एक मिनट में कितना निकल रहा है, 1200 ml सिस्टमिक कार्डिक आउटपुट फ्लो होता है। आर्टरियल फ्लो जो है, आर्टरियल फ्लो इनटू एंड वीनस फ्लो आउट ऑफ द किडनी, आर्टरियल फ्लो तो किडनी के अंदर जा रहा है और वीनस फ्लो किडनी से बाहर निकलता है सिमिलर पाथवे में। इसी तरह से नर्व सप्लाई भी जो है वो रीनल प्लेक्सस के थ्रू किडनी को सप्लाई कर रही होती है। अब ये पूरा फ्लो चार्ट देख लीजिए भाई, एओटा से आया, एओटा की ब्रांच आगे जाती हुई रीनल आर्टरी, देन सेगमेंटल आर्टरी, देन लोबर आर्टरी, फिर इंटरलोबर आर्टरी, फिर एरक्वेट आर्टरी, फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, लोबर था पहले वाला, ये लोब्यूलर है, देन एफरेंट आर्ट्रियल में गया, एफरेंट आर्ट्रियल से ग्लोमेरुलस में जाएगा जो कि कैपिलरी का टफ्ट होता है। यहाँ से मैंने आपको बोला कि भाई ब्लड छनेगा, फिल्ट्रेट तो जाएगा बोमेंस कैप्सूल से, होता पीसीटी वगैरह में पूरे नेफ्रॉन में चला जाएगा, और जो बचा हुआ ब्लड है छनने के बाद वो एफरेंट आर्ट्रियल, वहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में, देन इंटरलोब्यूलर वेन में, फिर एरक्वेट वेन में, इंटरलोबर वेन में, रीनल वेन में, और इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर चला जाएगा। अब किडनी के फंक्शन देखिए भाई, यूरिन बनाना, ब्लड की पीएच को मेंटेन करना, वेस्ट मटेरियल और वाटर को रिमूव करना, और हार्मोन को रिलीज करना। यूरिन फॉर्मेशन तीन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। फिल्ट्रेशन ब्लड नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट होता है, फिल्टर होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेट जो है उसमें से चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चली जाएंगी, और सीक्रीशन ब्लड से फिल्ट्रेट में चीज़ें आ जाती है, कुछ जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती है।
इसके अलावा हमने कहा कि ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने का काम किडनी करती है और ब्लड से वेस्ट और वाटर को रिमूव करती है और हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। अब मेन फंक्शन था यूरिन बनाना। यूरिन में 96% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है। उसके अलावा बचा हुआ 2% में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये किडनी, इसमें ब्लड वेस्ट और वाटर यहाँ रीनल आर्टरी से एंटर करते हैं। ब्लड विदाउट वेस्ट या एक्सेस वाटर के यहाँ से लीव करके रीनल वेन से होता हुआ लीव करता है और एक्सेस वाटर और जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो यूरिन की फॉर्म में यूरेटर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और ये जो बाहर निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा, यानी GFR के द्वारा। GFR क्या होती है? टोटल अमाउंट का फिल्ट्रेट जो कि किडनी के द्वारा पर मिनट में बनता है उसको आप GFR कहते हैं। किडनी द्वारा पर मिनट में बनने वाला टोटल अमाउंट का फिल्ट्रेट क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं या उस स्पीड को, वो जो पर मिनट में बन रहा है उसको आप क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। उस बनने वाले को आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये GFR होती है। बस इसके साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम का आधा जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने यहाँ पढ़ लिया है, जिसमें अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ी हैं। रिमेनिंग पार्ट अभी बाकी पढ़ा है, हमें और भी चीज़ें पढ़नी है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक यू।